पत्रकारिता की नई धारा। हम बनेंगे आपकी आवाज। हम हैं हर कदम आपके साथ। अगर कहीं अन्याय हो रहा है, किसी का उत्पीड़न हो रहा है, कहीं भ्रष्टाचार है तो हमें बताइए, हम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे, सोए हुए प्रशासन को जगाएंगे। हम बनेंगे आपकी आवाज, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। नमस्कार, सेंट्रल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। पूरे देश में हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हनुमान जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर यहाँ शोभा यात्रा भी निकाली गई। तो आइए शोभा यात्रा के साथ ही देखते हैं कुछ छोटे बड़े समाचार। शाहजहांपुर में हनुमान जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर बाबा विश्वनाथ मंदिर से एक शोभा यात्रा निकाली गई, जो पूरे नगर का भ्रमण कर हनुमत धाम पहुंचकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा में विभिन्न देवी देवताओं की झांकियां निकाली गईं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ सड़क किनारे शोभा यात्रा के दर्शन के लिए खड़ी थी। लोगों ने इस मौके पर पुष्प वर्षा भी की। बालाजी की चौकी से प्रसाद वितरण भी लगातार किया गया। धाम में हनुमान जन्मोत्सव पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, जिसमें सायंकाल केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भाग ले रही हैं। आपको बता दें, कल से अखंड रामायण का पाठ चल रहा था, जिसका आज समापन हुआ तथा बाद में भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन जनपद में प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के सानिध्य में किया जाता है। आज प्रातः से ही हनुमत धाम पर मेले जैसा माहौल था, हजारों लोग दर्शन के लिए आए। कार्यक्रम में जनपद के प्रतिष्ठित लोग मौजूद रहे। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। रायबरेली में एक अंतर जनपदीय चोरों का गैंग पकड़ा गया है, जिनके कब्जे से हजारों रुपए के सोने चांदी के आभूषण बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त सीतापुर जनपद के रहने वाले हैं। गैंग का एक सदस्य पहले रेकी करता था, फिर बाकी लोग रात में चोरी करते थे। चोरी की ज्वेलरी जिस दुकान में बेची गई है, उस दुकान के मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक रायबरेली ने बताया कि इस गैंग ने उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, लखीमपुर खीरी आदि जनपदों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। देखिए, आज मिल एरिया पुलिस और एसओजी के ज्वाइंट ऑपरेशन में और क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में सीतापुर के एक बड़े चोरों के गैंग का पर्दाफाश किया गया है, जिनके द्वारा विगत दिनों में कोतवाली क्षेत्र और मिल एरिया क्षेत्र में कई घरों में चोरियाँ की गई थी। ये जो पकड़ा गया गैंग है, पूरा गैंग सीतापुर का है और इसके साथ इमरान पकड़े गए हैं, जिसमें वो भी पकड़ा गया है जो घरों की रेकी करता था, और वो सुनार भी गिरफ्तार हुआ है, जिसके पास ही लोग चोरी के जवाहरात वगैरह बेच कर उनसे पैसा लेते हैं। पकड़े गए लोगों के पास से जिस गाड़ी में वो ट्रैवल करते थे बोलेरो, वो उसका चालक भी पकड़े गए हैं। कुल बरामदगी की वैल्यू तकरीबन 20 लाख इसमें चोरी किया सामान और कैश मिला करके कैश करीब 70,000 रुपये की बरामदगी है, और चोरी के जवाहरात हैं, चांदी है, और पकड़े गए अपने इतिहास भी बहुत लंबा चौड़ा है। जो गैंग का सरगना है करीब, उसके ऊपर तकरीबन 34 मुकदमे हैं और आसपास के कई जनपदों में उसके द्वारा चोरियाँ की गई हैं। उसके ऊपर सीतापुर, खीरी, उन्नाव और जनपद रायबरेली से रिलेटेड चोरियों के मुकदमे उसके हैं।
उसके बाकी साथियों पे भी, किसी पे 15 किसी पे 10 इस तरह के मुकदमे हैं। बहुत ही शातिर गैंग है और बहुत मेहनत के साथ पकड़ा गया है। इस गैंग के पकड़ने से ही जो क्षेत्र में चोरियाँ हो रही थी उसकी निश्चित रूप से अंकुश लगेगा और मेरी तरफ से इस टीम को 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया। इस गैंग में और भी बाकी लोग अभी वंचित चल रहे हैं क्या? इस गैंग के बाकी लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति जो और भी रेकी करता था उसका अभी पकड़ा जाना शेष है और बाकी सारे व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। शाहजहांपुर यूथ ब्रिगेड की बैठक में जिला महानगर व मंडल कमेटी के विस्तार पर चर्चा की गई। युवाओं को जल्द नई जिम्मेदारी दी जाएगी। संगठन के जिला संयोजक आशीष वर्मा ने बताया कि शाहजहांपुर यूथ ब्रिगेड संगठन की जिला महानगर व मंडल इकाइयों का जल्द ही विस्तार करके युवाओं को नई जिम्मेदारी देंगे। नगर निकाय चुनाव में संगठन अहम भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मनोज मौर्य, अंकुर कटियार, जिला अध्यक्ष विजय कुमार, महानगर अध्यक्ष ऋषभ गुप्ता, महानगर महामंत्री राहुल गुप्ता, नव नियुक्त मंडल अध्यक्ष प्रशांत मिश्र आदि उपस्थित रहे। शाहजहांपुर में यूनाइटेड स्पिरिट कंपनी के द्वारा उत्पादन बंद किया जा चुका है। इसके विरोध में कंपनी के गेट के बाहर काफ़ी समय से कर्मचारियों के द्वारा धरना दिया जा रहा है। लगातार कर्मचारियों के द्वारा मांग की जा रही है कि पुनः उत्पादन शुरू किया जाए और इसी को लेकर के राज्यसभा सदस्य मिथिलेश कुमार कठेरिया को कंपनी के कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंप कर उत्पादन शुरू कराने की मांग की है।